हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल फैक्टलन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिश माइग्रेशन के बारे में। फिश माइग्रेशन को समझने से पहले हम समझते हैं माइग्रेशन यानी कि क्या है। माइग्रेशन यानी कि लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स जो है एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते हैं, इसी को हम माइग्रेशन कहेंगे। जैसे कि कई एनिमल जो है फूड के लिए या फिर रिप्रोडक्शन के लिए जो है एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, या फिर कई एनिमल जो है हॉट टेम्परेचर में रह नहीं पाते। अब समर का टाइम चल रहा है तो वो हॉट टेम्परेचर में रह नहीं पाएंगे, तो इसलिए वो हॉट से कोल्ड टेम्परेचर की जगह पर जाते हैं जहाँ वो चैन से रह सके। तो यह जो एक जगह से दूसरी जगह जाने की प्रोसेस है अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए, फूड के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, टेम्परेचर एडजस्टमेंट के लिए, तो इसी को हम क्या कहेंगे, माइग्रेशन कहेंगे। फिश माइग्रेशन यानी क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ फिशेज जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, जिसे कि हम फिश माइग्रेशन कहेंगे। मेनी टाइप्स ऑफ फिशेज जो है माइग्रेशन करती है एनुअली, डेली। कई जो फिशेस है वो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करती है, जैसे कि 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर तक वाटर में ट्रैवल करके अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करती है, जिसे कि हम शॉर्ट डिस्टेंस माइग्रेशन कहेंगे। और कई फिशेज जो है वो लार्ज डिस्टेंस यानी कि थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स तक ट्रैवल करती है, तो इसे हम कहेंगे लार्ज डिस्टेंस माइग्रेशन। तो अब फिशेज जो है कई तरह का माइग्रेशन करती है, जैसे कि फीडिंग माइग्रेशन, जिसे कि हम अलाइमेंटल माइग्रेशन कहते हैं, स्पॉमिंग माइग्रेशन, जुवेलियन माइग्रेशन, सीजनल माइग्रेशन। तो फर्स्टली हम देखते हैं फीडिंग माइग्रेशन, जिसे कि हम अलाइमेंटल माइग्रेशन भी कह सकते हैं। तो कई फिशेज जो है फूड पर्पस के लिए माइग्रेशन करती है, वो फूड के पानी के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाती है। मान लो वो ए प्लेस पर रह रही है तो ए प्लेस पर उसकी फूड की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही है, तो वो फूड को ढूंढते 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 एक जगह से दूसरी जगह चली जाएंगी, तो उसी को हम क्या कहेंगे, फीडिंग माइग्रेशन, जिसे कि हम अलाइमेंटल माइग्रेशन भी कह सकते हैं। तो नेक्स्ट है स्पॉनिंग माइग्रेशन। स्पॉनिंग माइग्रेशन जो है यह रिप्रोडक्शन पर्पस से होता है। कई फिशेज जो है वो ऑक्सीजन रिड्यूस्ड वाटर में क्या कर देती है, एग्स लाइक्स कर देती है और बाद में वहाँ से क्या होती है, चली जाती है। तो वो जो ऑक्सीजन रिच वाटर में एग्स लाइक कर देते हैं, वहाँ पर उसकी प्रॉपरमेंट डेवलपमेंट हो सके, प्रॉपरली उसको फूड मिल सके, इसलिए वो वहाँ पर उसको लाइस कर देती है, बाद में वहाँ से चली जाती है। वो एग्स लाइस करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाती है, इस माइग्रेशन को हम क्या कहेंगे, स्पॉनिंग माइग्रेशन कहेंगे। नेक्स्ट टाइप है जुवेलियन माइग्रेशन। जुवेलियन माइग्रेशन जो है यह लार्वल स्टेजेस में होता है फिशेज के। तो फिशेज जो है लार्वल स्टेजेस में माइग्रेट करती है फीडिंग पर्पस के लिए, यानी कि वो क्या करती है, जो लार्वल फिशेज रहती है वो एडल्ट में चली जाती है फीडिंग पर्पस के लिए, ताकि एडल्ट के साथ रह रह के उन्हें खाना मिल सके। तो ये जो लार्वल स्टेज में जो माइग्रेशन करती है फिशेज, इसे हम कहेंगे जुवेनाइल माइग्रेशन। तो नेक्स्ट है सीजनल माइग्रेशन। सीजनल माइग्रेशन में क्या होता है, फिशेज जो है अपनी ओरिजिनल प्लेसेस से दूसरी जगह पर माइग्रेट करती है सीजन चेंज होते ही। जैसे कि अभी धूपकाला चल रहा है, धूपकाले के समय में जो है यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है ए प्लेस पे, तो ए प्लेस पे टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण वो बी प्लेस पे क्या करेंगी, माइग्रेट करेंगी, जहाँ उच्च से उसे खाना भी मिल सके, टेम्परेचर भी प्रॉपरली मेंटेन है वहाँ पर, जहाँ ठंडा है टेम्परेचर, तो ऐसी जगह पर वह माइग्रेट करती है और सीज़न ख़त्म हो जाने के बाद वह वापस चली आती है अपने ओरिजिनल प्लेसेस पे, तो इसे हम कहेंगे सीजनल माइग्रेशन। जैसे कि कई फिशेज जो है वो माइग्रेट करती है सब ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल एरियाज़ में, जब एक्सट्रीम वेदर्स कंडीशन आ जाती है तब। तो नेक्स्टली बात करते हैं टाइप्स ऑफ माइग्रेशन के बारे में। फिश माइग्रेशन टाइप्स में कई तरह के माइग्रेशंस होते हैं, जैसे कि पोटेमोड्रोमस माइग्रेशन, डायड्रोमस माइग्रेशन, एनोड्रोमस माइग्रेशन, ओशन ड्रोमस माइग्रेशन, कार्टेड्रोमस माइग्रेशन। तो यह जो है कई टाइप्स है फिश माइग्रेशन के। तो फर्स्ट टाइप जो है वो है पोटेमोड्रोमस माइग्रेशन। पोटेमोड्रोमस माइग्रेशन में क्या होता है, वो जो अपना रियल हैबिटेट है, जैसे कि कई फिश जो है फ्रेश वाटर हैबिटेट में रह रहे हैं, तो फ्रेश वाटर हैबिटेट को छोड़ के वो दूसरे हैबिटेट में चली जाती है रिप्रोडक्शन पर्पज़ से या कई पर्पज़ से, फूड पर्पज़ से, तो उसे हम कहेंगे पोटेमोड्रोमस माइग्रेशन। पोटेमोड्रोमस माइग्रेशन इसे हम कहेंगे। जनरली कई फिशेज जो है डेली माइग्रेट करती है फूड के अवेलेबिलिटी के लिए, ब्रीडिंग के लिए, सीजन टू सीजन माइग्रेट करती ही रहती है
अपनी रियल हैबिटेट से दूसरे हैबिटेट में, तो इसे हम कहेंगे पोटामोड्रोमस माइग्रेशन। तो नेक्स्ट है ओशनड्रोमस माइग्रेशन। ओशनड्रोमस माइग्रेशन में क्या होता है, यह जो माइग्रेशन है वह सी वाटर टू सी वाटर होता है, यानी कि फिशेज जो है सी वाटर से सी वाटर में ही जाएंगी, लेकिन एक जगह से दूसरी सी वाटर में चली जाएंगी। इस सी वाटर से दूसरी सी वाटर में वह चले जाएंगी, उसे हम कहेंगे ओशनड्रोमस माइग्रेशन। यह भी माइग्रेशन जो है फूड पर्पज से होता है, नियर अबाउट या फिर ब्रीडिंग पर्पज से होता है, नियर अबाउट 12,000 मराइन स्पेसीज जो है यह माइग्रेशन करती है, जिसे कि हम ओशनड्रोमस माइग्रेशन कहते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं डायड्रोमस माइग्रेशन के बारे। डायड्रोमस माइग्रेशन में क्या होता है, फिश जो है वो फ्रेश वाटर से सी वाटर में माइग्रेट करती है, या फिर सी वाटर से फ्रेश वाटर में माइग्रेट करती है, समंदर से रिवर में जाएंगी या फिर रिवर से समंदर में आएंगी। इस माइग्रेशन को हम क्या कहेंगे, डायड्रोमस माइग्रेशन। ये भी माइग्रेशन फीडिंग पर्पज़ से, ब्रीडिंग पर्पज़ से या फिर टेम्परेचर एडजस्टमेंट के लिए होता है। नियर अबाउट 120 स्पेसीज जो है यह माइग्रेशन करती है, जिसे कि हम डायड्रोमस माइग्रेशन कहते हैं। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कैटाड्रोमस माइग्रेशन के बारे में। कैटाड्रोमस माइग्रेशन में क्या होता है, जो फ्रेश वाटर फिशेस रहती है वो सी वाटर में माइग्रेट करती है, जैसे कि कई पर्पज़ के लिए, जैसे कि स्पॉमिंग के लिए, जैसे कि हम ब्रीडिंग भी कह सकते हैं, ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए भी वो एक जगह से दूसरी जगह जाती है, तो इसे हम कहेंगे कैटाड्रोमस माइग्रेशन। नेक्स्ट है एनाड्रोमस माइग्रेशन। एनाड्रोमस माइग्रेशन में क्या होता है, फिशेज जो है वो खाना तो ओशन वाटर में खाती है, लेकिन एग्स लाइज करने के लिए वो रिवर वाटर में जाती है। ऐसी कई स्पीशीज हैं, जैसे कि सैलमन, हिल्सा, लैम्प्रेयस, स्ट्रगिजंस, ये जो कई स्पीशीज हैं वो क्या करती है, फीडिंग तो वो ओशन वाटर में कहती है, खाना अपना ओशन वाटर में खाती है, लेकिन वो एग्स लाइज करने के लिए रिवर वाटर में जाती है, जिससे कि हम एनाड्रोमस माइग्रेशन कहते हैं। तो ये जो है कई पाथवे है जहाँ पर फिशेज जो है माइग्रेशन करती है। माइग्रेशन की प्रोसेस जो है यह किलोमीटर टू किलोमीटर चलती है, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर तक फिशेज जो है माइग्रेट्स करती है, एक ओशन से दूसरी ओशन तक चली जाती है, थाउजेंड्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर तक फिशेज जो है माइग्रेट करती है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक यह माइग्रेशन की प्रोसेस चलती है। तो ये जो है कई माइग्रेटरी फिशेज है, द कॉड, हेरिंग, सैलमन, इल, हिल्सा, थ्री पॉइंट स्टिकल बैक, द लैम्प्रेस, ये जो है मोस्ट कॉमन स्पीशीज है जो कि माइग्रेशन करती है फिशेज माइग्रेशन में। थैंक यू, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होंगी। ऐसी कई वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।